हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे अमेरिकन चॉप से, जिसके लिए दो पैकेट हक्का नूडल्स के लिए हैं, जो करीब 400 ग्राम्स के दो पैकेट्स होंगे। इसे मैंने बॉईल कर लिया, जैसे हम नॉर्मल नूडल्स को बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद इसको मैंने रिंस किया है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून हॉट फ्लावर ऐड किया है, जिससे कि इसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। इसमें अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। यहाँ मैंने पैन लिया है, पैन में ऑयल ऐड कर दिया है, ऑयल को हीट कर लें। अब जो हमने नूडल्स को मिक्स करके रखा था, उस मिक्सर को स्प्रेड कर देंगे, हल्का हल्का सा स्प्रेड करेंगे, बहुत थिक कोट नहीं करना है। और उसको बिना हिलाए चारों तरफ से ऐड कर दीजिए कि कहीं बस राउंड शेप आ जाए, और उसको हिलाना नहीं है, उसको फ्राई कर लेना है मीडियम टू लो हीट पर। देखिए एक साइड से हो गया है हमारा, ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, ये अच्छा परफेक्ट कलर आया है। दोनों तरफ से हमने इसको फ्राई कर लिया है, क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। अब उसी पैन में मैंने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून, मैंने वेजीज कट करके रखी थी, ये सब ऐड करूँगी। पहले जिंजर गार्लिक, इसको अच्छे से फ्राई कर लें, और उसमें अनियन चॉप किया हुआ डालेंगे। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। हम सारी वेजीज ऐड कर देंगे, बेल पेपर, कैरेट एंड कैबेज। आप इसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बेबी कॉर्न, कॉर्न्स, मशरूम्स, जो भी मेरे पास जो अवेलेबल था वो वेजीज मैंने ऐड कर दी हैं। तो 2 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे। वेजीज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम सॉस ऐड करेंगे, हमने ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड किया है, मैगी मसाला का क्यूब भी ऐड किया है, ये ऑप्शन है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इसे 2-3 मिनट कुक करूँगी। 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया है, यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबलस्पून, इसकी स्लरी बना लेना है। अब इसे ऐड कर देंगे, यहाँ पर मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर डाला है, जो लिक्विड फॉर्म में अच्छा लगता है। मैंने अब 2 टेबलस्पून विनेगर डाल दिया है और इसे मिक्स कर दिया है, ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए तो बबल्स आने लगे हैं, बस इतने ही हमें कुक करना है इसको। अब हम सर्व करेंगे, जो फ्राई किए थे नूडल्स उसको प्लेट करेंगे। इसके बाद हम ये अपना सूप बनाया हुआ है उसको डालेंगे, एंड फ्राई एग पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ब्लैक पेपर, रेड चिली ऐड कर दिया है।